तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं क्लास 10th के हिंदी 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब दो नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दो नंबर प्रश्न क्या है, गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है, मदन के पिता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब तीन नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मदन ने काशु के कितने दांत तोड़ डाले। तो कितने दांत तोड़े थे, दो। चलिए अब प्रश्न नंबर चार देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो क्या नाम था, ऑप्शन भी नीचे आपको दिखा दिया गया। तो क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। चलिए अब प्रश्न नंबर पांच हम लोग देख लेते हैं। पांच नंबर प्रश्न क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है। तो किससे आया है, मनोवैज्ञानिकता। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब छह नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, खोखा से। खोखा कौन था, सेन साहब के एकलौता पुत्र था। अब चलिए सात नंबर प्रश्न देख लेते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है, बंगला भाषा का। अब आठ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो किसने कही थी, सेन साहब। चलिए अब प्रश्न नौ देख लेते हैं। खोखा खोखी का अर्थ है। तो क्या है, बच्चा बच्ची। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर दस देख लेते हैं। खोखा का क्या नाम है। तो खोखा का नाम क्या था, कासू। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। प्रश्न 13 देख लेते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो किसके हाथों से, अपने पिताजी के हाथों से अक्सर पीटता था। प्रश्न 14 देख लेते हैं। 14 में क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो किसको लगाए थे फटकार, डांटे थे, गिरधर लाल को। चलिए अब प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो मध्यम वर्ग को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, किस खेल में शामिल होना चाहता। तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए। तो किसके व्यंग से, पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। मदन की उम्र क्या थी। तो कितनी थी, 5 से
साला ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। ऑप्शन में केवल गिरधर ही दिया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गिरधर। चलिए अब प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। प्रश्न 21 क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे, सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर में क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, यानी कि वो कब मर गए? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना में। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। प्रश्न 25 क्या है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां किसे इस बात पर गर्व है? तो किसको इस बात पर गर्व है, माता पिता को। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन न लग गया? तो कौन न लग गया था, हंस। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। किसके अनुसार सेनन और सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो कितनी थी, ऑप्शन सी यानी कि 5 लड़की।